Heavy rainfall in Delhi NCR that began on Thursday and continued into Friday morning has resulted in widespread waterlogging and severe traffic jams. According to Meteorological Department, Delhi recorded 228 mm of rainfall from 8:30 a.m. on Thursday to 8:30 a.m. on Friday, marking the highest 24-hour rainfall in June since 1936. दिल्ली में आज सुबह ढाई बजे मेनली ढाई बजे से साढ़े पांच बजे तक के बीच में सबसे ज्यादा जो रिकॉर्ड आई है हमारे सफदरजंग के ऑब्जर्वेटरी से 228 मिलीमीटर और बाकी सभी दिल्ली के ऑब्जर्वेटरी से काफी ज्यादा अति भारी वर्षा तक आने का रिपोर्ट आई है। ये जो बारिश जिन जगहों पे हुई है ये सारे मानसून का बारिश है और कोई देखिए ये ग्रेजुअल चेंज होता है प्री मानसून टू मानसून में। अभी जो विंड फ्लो सब कुछ देखते हुए हमें जो पता चल रहा है कि ये बारिश परसिस्ट करेगा और ये बारिश आपका जो भारी वर्षा रहेगी ये जारी रहेगी आपका पूरा नॉर्थ इंडिया में। विंड्स का भी खास तेज नहीं रहेंगे, विंड्स लाइट विंड्स रहेंगे मगर बारिश का अमाउंट ज्यादा रहेगा और हर रोज एक ही जगह में बहुत भारी वर्षा नहीं होगी मगर भारी वर्षा होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। पंजाब हरियाणा में आपका कल से लेके भारी से अति भारी वर्षा होने की पॉसिबिलिटी है। दिल्ली में भी हमने कल और परसों के लिए भारी वर्षा का चेतावनी जारी किए हैं। जानकार कह रहे हैं कि 1936 में 235 mm जून के महीने में बारिश हुआ था, आज सेकेंड लार्जेस्ट बारिश हुआ है 228 mm 1936 के बाद जून के महीने में। तो आप सोच सकते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो डिजाइन नहीं होता है इतनी ज्यादा बारिश को हैंडल करने के लिए। आप देख ही रहे हो कि भाई एयरपोर्ट पे भी एक छत गिर गया है, वहां भी लोगों की जान गई है। मेरे क्षेत्र में हो या आसपास क्षेत्रों में माल का नुकसान हुआ लेकिन जान का नुकसान कोई नहीं हुआ है। एमसीडी के अधिकारी भी लगे हैं, पीडब्ल्यूडी भी लगा है, जल बोर्ड भी लगा है, डिजास्टर का टीम भी लगा है, डीएम का टीम भी लगा है, माननीय मंत्री खुद संज्ञान ले रही है। तो हर प्रकार से हम लोग लगे हुए हैं, हमने अपना नंबर फ्लैश कर रखा है। जहां जहां समस्या आ रही है उस समस्याओं को हम तुरंत अटेंड कर रहे हैं अधिकारियों के साथ मिलकर के और जल्द ही इससे हम बाहर आएंगे। द सफदरजंग वेदर स्टेशन रिकॉर्डेड 153.7 mm ऑफ रेनफॉल स्टार्टिंग अराउंड 3 am। दिस डाउनपोर ब्रॉट रिलीफ फ्रॉम द इंटेंस हीट बट सिग्निफिकेंटली डिस्ट्रप्टेड डेली लाइफ। Delhi typically receives an average of 80.6 mm of rain in June. However, the recent deluge highlighted deficiency in city's infrastructure, particularly its drainage system. Commuters face significant challenges with submerged roads and severe traffic jams. Major intersections such as ITO saw about 2 to 3 feet of water accumulation causing extensive traffic disruptions. देखिए पिछली बार से सिचुएशन काफ़ी फार बेटर है और एक तरह से मानसून की पहली बारिश है और अब वो सभी पॉइंट्स आइडेंटिफाई आज हो चुके हैं। तमाम डिपार्टमेंट्स एमसीडी इरिगेशन फ्लड पीडब्ल्यूडी साथ में हमारे दिल्ली जल बोर्ड तमाम अधिकारी सभी डिप्टी कमिश्नर्स ऑफिसर्स अभी ग्राउंड पर काम कर रहे हैं और जहाँ जहाँ वाटर लॉगिंग है उन पर काम जारी है और दिल्ली की जनता को आज के बाद ऐसी स्थिति दोबारा नहीं मिलेगी। The Hanuman Temple intersection leading to Mandi House was submerged under 3 feet of water, leading to road closures and disruption on Ashoka Road, Ferosha Road and Connaught Place. Similar conditions were reported in other areas like Moolchak. चौबीस घंटे में दिल्ली में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। मैं वेदर रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 1936 के बाद जून के महीने में कभी इतनी बारिश हुई होगी और जगह जगह पानी भरा है, लोगों के घरों में भी पानी गया है। मैं सुबह से अपने ग्रेटर कैलाश के अलग अलग इलाकों में देख रहा हूँ, एपीजे शेख सराय के पास हुआ, स्वामीनगर हो, चिराग दिल्ली हो, अभी हम श्री फोर्ट कुत इंस्टीट्यूशनल एरिया में हैं, यहाँ पे भी कई बेसमेंट्स के अंदर काफ़ी पानी भरा हुआ है और कोशिश ये है कि एक तो इसको पम्प आउट किया जाए। ये तो पहली बारिश है और पहली बारिश में दिल्ली का ये हाल है तो आगे क्या? अब देखिए बीजेपी का क्या कहें, उस पर लड़ाई झगड़े की तो बात नहीं है। अब हम ये कहें कि साहब आपने 6 महीने पहले एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, वो पूरा का पूरा एयरपोर्ट ही ढह गया, वो तो केंद्र सरकार ने बनाया था। तो इस सब के ऊपर मुझे लगता है कि बीजेपी आप कांग्रेस क्या कह रही है, इससे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि सब लोग जो है अच्छे से काम करें। In Noida, the situation was equally severe.
Despite inspections by the CEO of Noida Authority and officials on Thursday, many areas, including Mahamaya Flyover, Sector 62 and Sector 15 and 16, experienced severe waterlogging. The rainfall lowered the minimum temperature on Friday to 24.7 degrees Celsius, 3.2 degrees below normal, providing some relief from the intense heat experienced over the past 2 months. Nonetheless, the heavy rains served as a stark reminder of urgent need for improved monsoon preparedness in Delhi NCR.